रिच डैड पोर डैड की किताब की कहानी तो आपने सभी ने सुना होगा कि ये जो किताब है आपको अमीर बना सकता है। आज मैं इस किताब की 7 इम्पॉर्टेंट सबक आपको बताने वाला हूँ। अगर इन 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आप काम कर लिए तो आप अमीर बन सकते हैं। नंबर 1, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। हमेशा कोई भी चीज़ पहले आप सीखो उसे, फिर देखोगे उससे ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा है। जैसे अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो उसे पहले सीखो, फिर देखो कि ऑटोमेटिक पैसा आ रहा है। ऐसे ही कोई भी फील्ड में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, उसे पहले डेप्थ नॉलेज लो। सीखना इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, पैसे को बचाने के लिए पैसे मत बचाओ, उसे इन्वेस्ट करने के लिए बचाओ। पैसे को अगर इसलिए आप बचा रहे हो कि पैसे बचाना है तो इसलिए मत बचाओ, लेकिन अगर आप पैसे को इसलिए बचा रहे हो कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बचाओ। इस पॉइंट को बहुत ही गहराई से समझ लेना, क्योंकि आपको पैसे बचाना कैसा है ये समझ में आ जाएगा। आपको इसलिए नहीं बचाना है कि उसे आप कहीं रख दोगे, कहीं पे आप अच्छे खासे बैंक में रख दोगे, लेकिन पैसे को इसलिए बचाना है कि आप कई कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे पैसा आपके लिए काम करेगा और 2 से 3 गुनी पैसा लेके आएगा। नंबर 3, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। आप अपने ऊपर चीज़ें इन्वेस्ट करो थोड़ा पैसे, और अपने आप को इम्प्रूव करो। नंबर 4, अपने खर्च और दायित्व को कम करो। आप देखे होंगे कि आपके जो खर्च वो बहुत ही कम है, लेकिन आप इधर उधर की खर्च करते हैं, तो उसे कम करो। नंबर 5, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हो। तो बचाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, इन्वेस्ट करते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, और उससे आप पैसा बचा पाओगे। नंबर 6, खुद को अपने से समझदार लोगों के बीच रखो। आपसे जितने भी लोग ऐसे हैं जो आपसे भी समझदार है, उनके बीच अपने आप को रखो, तो आप चीज़ें सीखोगे भी और ग्रो भी करोगे। नंबर 7, आप वही बन जाते हो जो आप करते हो और पढ़ते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी किताबें पढ़ा करो, क्योंकि आपके जो माइंड में आएगा इनपुट, वही आप धीरे धीरे बनते चले जाओगे। इसलिए अच्छा पढ़ा करो और अच्छा देखा करो, ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी हो। तो ये 7 पॉइंट थे रिच डैड एंड पोर डैड के। इसे अपने लाइफ में अप्लाई करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप आज से कौन सा शुरू करने वाले हों।